नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। थप्पड़ कांड वाली एसडीएम ने की मैरिज, एमपी की अफसर प्रिया ने ग्लैमर्स लुक में डीएसपी पति संग कराया फोटोशूट, बीजेपी नेता को मारा था थप्पड़। राजगढ़ में बीजेपी नेता को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आई एसडीएम प्रिया वर्मा ने शादी कर ली है। उन्होंने जनवरी 2020 में CAA के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को ऑन कैमरा थप्पड़ जड़ दिया था। तब वह राजगढ़ में डिप्टी कलेक्टर हुआ करती थी, अभी देवास जिले के कन्नौज में एसडीएम है। थप्पड़ कांड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आलोचना की थी, तब शिवराज विपक्ष में हुआ करते थे। प्रिया ने शुक्रवार को देवास के कन्नौज में डीएसपी आशीष पटेल के साथ शादी कर ली। उन्होंने शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। प्रिया इंदौर के मंगोलिया गाँव की रहने वाली है। देखिए इन तस्वीरों में एसडीएम प्रिया का ग्लैमरस लुक। बता दें फेसबुक पर प्रिया के 27 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। प्रिया वर्मा इंदौर के गाँव मंगोलिया की वाली है। प्रिया ने साल 2014 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। 2015 में वह डीएसपी बन गई थी। उन्होंने इसके बाद भी पढ़ाई जारी रखी और 2017 में डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुई। प्रिया और आशीष ने प्री वेडिंग शूट भी कराया है। एक इंटरव्यू में प्रिया ने कहा था कि वह 14 घंटे पढ़ाई करती थी। प्रिया वर्मा इस समय देवास जिले में एसडीएम है। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने प्रिया वर्मा की आलोचना की थी। प्रिया वर्मा ने जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा यात्रा के दौरान राजगढ़ में भाजपा नेता को थप्पड़ मार दिया था। उस वक्त प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे। उन्होंने कहा था, कलेक्टर मैडम आपने कानून की कौन सी किताब पढ़ी है जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को पीटने और घसीटने का अधिकार आपको मिला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक।